आप सभी का हमारे सहमाज गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नए टिप्स के साथ आई हूँ, नए फ्लावर के साथ एंड विंटर फ्लावर के साथ, और कुछ ऐसी ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जो अपने पेड़ों में आप बहुत सारे ढेरों सारे फूल पा सकते हैं। और इसको मैं अप्रैल में किस तरह इसकी सीड्स निकाले जाते हैं मैं आपको उसका भी हिंट दे दूँगी, जिससे आप अपने अप्रैल में सीड्स इससे निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस फ्लावर का नाम है डॉग फ्लावर। और देखिए कितनी काफ़ी काफ़ी कलर में आते हैं, बहुत डिफरेंट कलर में आते हैं। ये डबल ब्राइटिंग है, एक आपको डबल जैसे लंबा वाला लॉन्ग वाला भी आता है और एक सिंगल वाला। ये मेरा छोटा वाला है, ये छोटे से पेड़ होता है उसमें, और एक मेरा आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो डाल रखा है वो लॉन्ग का है। इस तरह मैं इसका नाम क्यों पढ़ा डॉग फ्लावर, तो इसका मैं आपको बता दूं। देखिए ये इस तरह से फ्लावर को पकड़ते थे, देखिए ऐसे ही ये मुँह खोलता है। देखिए छोटे से दांत जैसे नहीं होते, जैसे छोटे से बेबी के इस तरह से, इसलिए इसको हम लोग डॉग फ्लावर कहते हैं। डिफरेंट कलर में रहता है इसका। इसका ग्रो करने का मैं आपको तरीका बता दूँ, इसको अगर सीड से ग्रो करेंगे तो आप अक्टूबर एंड नवंबर में सीडिंग इसकी कर दीजिए, आपको ही अप्रैल तक फ्लावरिंग बहुत अच्छे से देते हैं। ये फरवरी का वीक है, फर्स्ट वीक मैंने इसमें आपको फ्लावरिंग किस तरह से इसमें खिलाए और कितने अच्छे से इसकी केयर कर सकते हैं। ये आप अभी नर्सरी से परचेस कर सकते हैं, बहुत कम रेट में आपको मिल जाता है। हमारे यहाँ ये 35-35 में अच्छे से मिल जाता है नर्सरी में, आप किसी से भी नर्सरी से अच्छे से इसको कैरी करके ला सकते हैं। और इसकी सॉइल के बारे में बता दूँ, इसमें सॉइल हम लोग वही यूज़ करते हैं जैसे मैं विंटर फ्लावर में यूज़ करती हूँ। आपको मैं 50% मिट्टी, 20% खाद, 20% रेत और 5% नीम खली अन राख, ये सबको मिक्स करके इसको अच्छे से पॉट पे लगा दीजिए। ज़्यादा बड़े पॉट में भी नहीं, देखिए मेरा छोटा सा ये पॉट है 4-5 इंच का, देखिए ये देखिए इसमें बहुत अच्छे से। और सिंगल पेड़ है, मैं आपको किस तरह से स्टेम दिखा सकती, देखिए ये देखिए सिंगल, कितनी सारी इसमें इधर उधर से ब्रांचेस ने फोड़ रखी है और बहुत अच्छे से ही सर्वाइव कर सकता है आपके घर में। बहुत सारे फ्लावर दिख सकते, देखिए फ्लावर देखिए कितने सारे हैं। ये कैमरे में भी पूरा आपने अच्छे से नहीं आ पा रहा है, देखिए ढेरों फूल हैं कि आप कलियाँ हैं, फूल हैं। देखिए इसकी एक खास बसें हैं, इसको मिट्टी हम जो यूज़ करते हैं वह मैं आपको बता दी, इसको फुल सनलाइट में रखिए और एक लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको वीकली दीजिए। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र वीकली देते रहेंगे और कोई भी खाद आप मत दीजिए, कोई किसी तरह के कोई केमिकल मत दीजिए, फिर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। फुल सनलाइट में रखिए इसको और सेमी साइड से बाद, इसको धूप बहुत पसंद है। अल्टरनेट वाटरिंग कीजिए जब आपकी सॉइल सूख जाए। देखिए मेरी इसमें, देखिए इसमें दिखा दो, देखिए इसको इस तरह से नमी पसंद है। इस तरह से अगर पेड़ में आप नमी रहेगी तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। देखिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जैसे नीम खली, मस्टर्ड खली, खाद घर में बनाइए गोबर की खाद और थोड़ी सी चाय पत्ती और बोन मील, इन सबको मिक्स करके मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना देती हूँ और फिर उसी फर्टिलाइज़र को मैं इसको वीकली देती हूँ। इसलिए विंटर के फ्लावर हैं ये, आपको 4-5 महीने के फूल होते हैं सिर्फ, फिर इसके बाद इनको फिर नेक्स्ट ईयर लगाए जाते हैं। इसलिए इसको आप ऐसे फर्टिलाइज़र दीजिए जो बहुत अच्छे से ग्रो करें। अब मैं आपको इसकी सीडलिंग के बारे में बता दूँ, जब ये फूल डेड हो जाए उसके बाद से फूल अपने आप खुद गिर जाता है। देखिए मैं आपको सीड दिखा दूँ, इसका एक बन रहा है मेरे यहाँ, देखिए ये देखिए इस तरह से हो जाता है। ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, देखिए ये सीड पॉट बन रहा है इसका। देखिए मैं आपको तोड़ के, एक बहुत टाइट होता है, इसमें बहुत छोटे राई के दाने की तरह सीड्स निकलते हैं। देखिए ये सीड्स हैं, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये ब्लैक मेरे ये पक रहा था सीड्स, इसी में ये सूख जाए अच्छे से। और सूखने के बाद ये इतना हार्ड होता है ऊपर का कवर इसका कि ये सीड्स जल्दी इसमें से निकलते नहीं हैं। देखिए जब ये सूख जाए तब आप इसको कलेक्ट करके एक रैपर में, पहले तो आप पेपर का रैपर में लगाइए ब्राउन कलर में जो आता है, या किसी भी आप तरह का पेपर में रैप करके उसको एयर टाइट में पॉलीथीन में आप रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर में आप ग्रो कर सकते हैं। आपको देखिए ये इसके सीड्स हैं, देखिए बहुत अच्छी, देखिए
ये इसके सीड्स हैं, आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते। देखिए मेरे ये सीड इस तरह से हो गए हैं, पूरे पक गए हैं, कुछ दिन में ये आपके तोड़ने लायक हो जाते। मैं इसी में डाल दे रही हूँ कि फिर लगाएंगे इसमें। और इसी में ये देखिए अगर आपको सीड्स बनाने हैं तो इस तरह रख लीजिए, कलेक्ट करके रख दीजिए, बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगे। और अपने पेड़ों में इसका यूज़ कीजिए, इसको बचा के रखिए सीड्स, और नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से अक्टूबर में या नवंबर में ग्रो कर दीजिए, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आएंगे। और मैंने आपको सीड्स बता दी कि इतने सारे फूल लेने के लिए आप अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए इसमें, और देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी होगी, कितने खूबसूरत देखिए फूल देखिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और बेल बटन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद, थैंक यू।